क्वेश्चन तो आप सोल्व करिए, हैंड रेस करो, आंसर चैट बॉक्स में नहीं देना है, पहले आपको खुद से सोल्व करना है, समझ गए सारे? यस ठीक है, मैम। हाँ, जब आप ओके मैम। अगर मुझे तुम्हारे साइड से सेट एक आंसर मिल गया कि अप्रोच सही है, अगर आंसर भी नहीं आया कोई बात नहीं, अगर अप्रोच भी मिल गई तो फिर मैं जल्दी जल्दी बता दूंगी, ठीक है? और अगर मान लो तुम्हारी साइड से मेरे को कोई अप्रोच मतलब नहीं मिल रही है कि कैसे होगा, तो फिर आई विल एक्सप्लेन, ठीक है? तो ये रहता है अपना प्रैक्टिस सेशन में। चलो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। तो जनरली अपने आप देखोगे ज्यादातर हमारे क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट से होंगे, ठीक है? क्योंकि ये ही काफी ज्यादा, मतलब और भी होंगे बट ये वाले ज्यादा होंगे, तो किसी को जो भी डाउट होंगे वो पूछते भी रहना मुझसे, ठीक है? क्योंकि ये ज्यादा ही पूछे जाते हैं पेपर में। और रही बात वेटेज की, तो वेटेज का आपको मालूम है, या तो एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से या दो आएंगे, बस उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है? नीट की बात कर रही हूँ, ठीक है? नीट की बात कर रही हूँ, जो तुम्हारा संडे, वहां एक और चीज भी मेरे को बतानी थी, जो तुम्हारा संडे वाला टेस्ट होगा उसमें 45 क्वेश्चन है, ठीक है? एक तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर का टेस्ट है, उसमें भी इतने ही क्वेश्चन होंगे, और केमिस्ट्री में भी इतने ही होंगे, कोई चॉइस नहीं होगी, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि तुम ऑप्शनल है, सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो। लेकिन हाँ, फिर बोल रही हूँ, जो नहीं आते होंगे उसको छोड़ देना, स्लीप कर दूंगी। अटेम्प्ट नहीं करना। पहले हमें क्या सीखना है, अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, ठीक है? जब तुम लोगों का रिपोर्ट कार्ड आता है, मेरे पास एक्यूरेसी भी आती है तुम लोगों की, तो जब तुम होगा ना, तुम लोगों का मैं मंडे को रिपोर्ट देखूंगी, तो उसमें मेरे को मालूम पड़ेगा कि कितनी एक्यूरेसी है तुम लोगों की, ठीक है? तो फिर डिस्कस भी करेंगे क्या प्रॉब्लम आई, कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा, फर्स्ट केमिस्ट्री का टेस्ट, पेपर का लेवल कैसा था, वो सब वी विल डिस्कस ऑन मंडे, ठीक है? आज क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन तुम्हारे स्क्रीन पे है, टेक योर टाइम, तुम्हें टाइम दूंगी मैं, और तुम्हें फिर मेरे को सॉल्व करके दिखाना है। रवीना आ गई, ठीक है? अंशुल बेटा रेगुलर रहो, मे बी तुम कल, हाँ कल एब्सेंट थे। हाँ मैम कल तो वैसे हॉलीडे था ना, स्कूल में भी हॉलीडे ही था। नहीं, अब क्लासेस, अवंती क्लासेस का हॉलीडे नहीं था, किसने बताया आपको? मैम स्कूल में था तो मेरे को लगा कि फिर यहाँ पर भी छुट्टी अवंती होगी। डिफरेंट ना, बच्चे स्कूल से लिंक नहीं है अपना, है ना? ये याद रखना, जो अगर तुम्हारे स्कूल में छुट्टियां हो रही हैं, अगर तुम सोच रहे हो कि वो अवंती में भी क्लासेस ऑफ रहेंगी, तो नहीं, ठीक है? अगर ऑफ होता है तो एक दिन पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ये याद रखना, ठीक है? क्या हुआ, नहीं हो रहा? मैम चलो मैम, अप्रोच बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल, वही तो मेरे लिए मैटर करता है बेटा। करो करो, हैंड रेस करो, शाबाश। वेरी गुड आफ्ताब, रिशा, सलोनी हो गया था ना तुम्हारा, तो ऐसे मत, मैम मिस्टेक लग रही है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हैंड रेस कर लो, ट्राई तो किया है ना तुमने, जिसने ट्राई भी किया वो भी हाथ उठाओ, संडे को टेस्ट है,
बेइज्जती मत करवा देना तुम लोग। मुस्कान आ गई, मुस्कान कल नहीं थे ना? नो मैम, मैंने वही बताया ना आपको, कंफ्यूजन हो गया था। अच्छा तुमने बोला अभी वो चीज? यस यस मैम। अच्छा मुझे लगा रवीना ने बोला। ठीक है ठीक है। ओके मुस्कान आप बताओ अप्रोच कैसे करोगी बेटा? मैम मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको। हाँ हमने हाँ बताओ बताओ। तो ना इसमें हमें दे रखा 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, जो कि मिक्स करा गया है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। हाँ जी तो फिर ये जो हमें रिएक्शन दे रखी है, इसमें हमें लिमिटिंग रिएक्शन निकालना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कितना एक्सेस बचेगा। तो वेरी उसके गुड। लिए सबसे पहले तो हमें हाइड्रोजन के मोल्स निकालने पड़ेंगे, मतलब सॉरी, हाँ मोल्स ही निकालने पड़ेंगे। तो वो हमारे पास आएंगे 4। 4 आ जाएगा। ठीक है ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के आएंगे 1/2, या फिर हम कह सकते हैं 0.5। लिमिटिंग रिएजेंट फिर कैसे निकालोगी? रिएक्शन मैम, ये जो मोल्स है ना, 4 मोल्स आए हमारे पास हाइड्रोजन के, इसको हम वो डिवाइड करेंगे 4/2। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ठीक है, और इसमें तो है ही नहीं, तो ये 0.5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये पता लगा लिया लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। यस मैम। वेरी गुड। सही तो है अप्रोच, गलत क्यों लग रहा था तुम्हें? पता नहीं, मतलब मैं, मेरे साथ ऐसा होता है ना, क्वेश्चन करती हूँ, मेरे को लगता है पता नहीं गलत ही आंसर आएगा हमेशा। नहीं, अपने को इतना तो कॉन्फिडेंट। हाँ आई नो, लगता है ये। मैम फिर ना एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारा। वो तुम सोचती ज्यादा हो फिर क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, यस कोई बात नहीं, तुम्हारा जो फोबिया है ना, धीरे धीरे कम हो जाएगा जब तुम अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। इट्स ओके लव कुश, कोई बात नहीं बेटा। हाँ समझ रही हूँ, नेटवर्क इशू है, एक बार आप रिज्वाइन करके देख लो। आओ इधर। तो सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, आपको बताना था कितना अमाउंट ऑफ H2 रह जाएगा अनरिएक्टेड। ठीक है, जिसने रिएक्ट नहीं किया है, आपको इक्वेशन दे रखी है। 8 ग्राम हाइड्रोजन को मिक्स किया है 16 ग्राम O2 के साथ। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन जो दी गई है, आप चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। हालांकि ये बैलेंस्ड है, बट फिर भी आप अपनी तरफ से तसल्ली करेंगे कि बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, नाउ पहले आपको यही चेक करना पड़ेगा, एक से ज्यादा है ना रिएक्टेंट, तो आपको यही चेक करना पड़ेगा विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक तो क्या ही था, वो तरीका था एक बताने का। नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास कितना है, 2 ग्राम, और इसका 1/2 आ जाएगा। फिर मैं क्या कहा था कि स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना, तो ये देख रहे हो गया 0.5 आ रहा है, या यू कैन ऑल्सो से 1/2। तो O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, और ये हमारा H2 क्या है बेटा, बोलो सो गए क्या? H2 अब ये मत सोच रहा मैम, यहाँ पे तो वैसे भी 2 मोल है, तो ये वैसे भी एक्सेस पे होगा। कभी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बताओगे कौन एक्सेस में कौन मैम। में है। यू नीड टू फाइंड यस आउट। हाँ मैम, जी बेटा। ये जो जैसे कि H2 का निकाला हमने 8/2 करके, तो फिर ये O2 का कैसे निकाला 1/2? मेरा बेटा यहाँ पे O2 के आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है ना, इसलिए इसके आगे 2 था, तो मैंने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, आ गया समझ, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये एक्सेस रिएजेंट है, यस मैम। तो दोबारा या कर दो, नेटवर्क एरर हो रहा है। नेटवर्क एरर किसका, दक्ष का हो रहा है क्या, मेरा आफ्ताब का? अरे यस मैम। बाबा तुम लोग रुक जाओ, अब लास्ट बार कर रही, इधर देखो ध्यान से सारे बच्चे। पता चले 10 बच्चों का नेटवर्क इशू हो गया, 10 बार मेरे से पूछ रहे हो, और पूरे 1.5 घंटे क्लास में एक क्वेश्चन हुआ। इधर आओ, सबसे पहले अपने को ये पहचानना पड़ेगा आफ्ताब, विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने आता है ना तुम लोगों को, मोल्स निकाल के सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हाँ डिवाइड कर दो। तो अभी तक बस मैंने यही पता लगाया कि O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, बस एक्सेस में हमारे पास है H2। अब हमें यही बताना है कितना रह गया। तो आप देखो ना, पहले तो ये देखो चाहिए कितना, तभी तो बता पाओगे ना कितना रह गया। तो मुझे दिख रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन से कितने ग्राम, सॉरी 32, एक मिनट रुको, 16 होता है ना, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितने ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, 4 ग्राम, बस ये बता दो मेरे को अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
यस मैम, और हमारे पास ऑक्सीजन कितना दे रखा है, तो 16 ग्राम से कितना होगा, 4/32 × 16 यानी कि 2 ग्राम, मतलब इतना हमें चाहिए। कितना चाहिए मुझे, 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, बट वी हैव 8 ग्राम, वी हैव 8 ग्राम, तो कितना बच जाएगा बोलो, 6 ग्राम। इजी नहीं था, बताओ क्या अपन ऐसे क्वेश्चन नहीं किए क्या क्लास में? बिल्कुल किए थे अपन, इससे बल्कि डिफिकल्ट वाले किए थे। हो जाएगा? यस मैम। चलो बधाई हो, ये वाला क्वेश्चन करिए, डरना नहीं है, आराम से पढ़ेंगे समझेंगे, आपको आता है। मैम एक मिनट, लास्ट स्लाइड दिखाइएगा। हाँ जी हाँ जी अलीशा। ओके मैम, ठीक है। करो बच्चों। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन में ना 4 ग्राम आ रहा था। कैसे बेटा, कैसे आ रहा था, क्या गड़बड़ करी? जो हमने 4/2 करा उसके बाद हमें 2 मोल्स मिला, तो वो मोल्स ही तो होगा, तो उसमें हम जब निकालेंगे तो 2 × 2 करके ना 4 ना ना मेरा ग्राम्स बेटा, नहीं 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 गलती कर दी यहाँ पे अनीशा, मोल्स अपने पास 4 है, ये तो मैंने लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाने के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया था बेटा, यहाँ गलती कर दी होगी तुमने, ठीक है। चलो चलो आगे, ये वाला करिए, घबराना नहीं है, करा हुआ है क्लास में सवाल क्वेश्चन। शाबाश, दीपांकर, रिया, रवीना, बेटा ट्राई करना पड़ेगा, ऐसे तो आंसर नहीं आएगा अपना। अंशुल, हिमांशी, हेमंत, सोचो सोचो, मुश्किल लग रहा, बताओ डिफिकल्ट लग रहा है क्या? स्क्रीन तुम्हें पौने नौ वाली क्लास में क्यों नहीं दिखती क्या, या ना क्या, मतलब मेरे को पता नहीं क्या सीन है, रीज्वाइन करके देखो बेटा रिया। चलो आफ्ताब का हुआ है बस, मुस्कान आपने भी हैंड रेस किया था, आलिया क्यों नहीं हो रहा बेटा आज? मैम वो पहले वाला था, मैं ट्राई कर रही थी। ओके सलोनी, हुआ है किसी का? आफ्ताब तुम बताओ फिर। मैम सबसे पहले तो इसमें एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अब वह हम सब जानते हैं मास परसेंट, तो फॉर्मूला ये होता है मास कंपोनेंट अपॉन में मास ऑफ मिक्सचर और मल्टीप्लाई में 100। तो अब हम करेंगे, पहले तो हम इक्वेशन देख लेंगे, CaCl3 डिकम्पोज हो रहा है CaO+CO2 में, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CaCl3 का ये तो याद है 100 ग्राम पर मोल, और जो CaO का है वो हम जानते हैं कि 56 ग्राम है। अगर 100 ग्राम ऑफ CaCl3 56 ग्राम ऑफ CaO दे रहा है तो 0.959 ग्राम कितना देगा, हम मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे और अपॉन में 56 डिवाइड में डाल देंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1.72 ग्राम CaCO3 जो रिएक्ट करेगा CaO, डिकम्पोज होगा सॉरी। फिर मॉलिक्यूल मास कितना होगा कैल्शियम क्लोराइड का, वो होता है 111 ग्राम पर मोल। अगर हमारे पास 1.72 ग्राम ऑफ CaCO3 है तो 1.72 मल्टीप्लाई 111
अपॉन में 100 ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करें तो हमारा जो ये आएगा वो 1.9 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड हमें मिल जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेगा कि कितनी है, तो मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अपॉन में मास ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो हमने निकाला था उसको हम रखेंगे 1.9 डिवाइडेड बाय 4.22 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा 45.04% आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम मान लेंगे 45%। वेरी गुड सर जी, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है, सही है 45 ही आएगा। बट मैं इसको एक बार समझा देती हूँ। देखो जैसे आफ्ताब ने बताया आप वैसे भी कर सकते हो, वरना अपने पास एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट बोले तो कम टाइम में ही सॉल्व हो जाए अगर नीट में आ गया ऐसा सवाल। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, POAC सिखाया था मैंने, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। यस मैम, ये बस बोला नहीं, सिखाया था मैंने, है ना। तो उसमें याद करो मैंने क्या बोला था, अगर तुम्हें नहीं पता है बैलेंस्ड इक्वेशन किस तरीके से लिखना है या नहीं आ रहा, तो इन दैट केस यू कैन अप्लाई POAC। और यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है कि हमारे पास जो सैंपल है, सैंपल में अपने पास इनका मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट का और कैल्शियम क्लोराइड का, 4.22 ग्राम है। अगर मैं इसको एक्स ग्राम मान लेती हूँ कैल्शियम क्लोराइड को, तो सोडियम कार्बोनेट को मैं 4.22 माइनस एक्स ग्राम बता दूं, ठीक है। yes. फिर वो कह रहे हैं कि जब इन्होंने, फिर बोल रहे हैं वो आगे आओ, इनका वे इतना था वो ट्रीटेड टू प्रेसिपिटेट ऑल द कैल्शियम, मतलब जितना भी मिक्सचर में कैल्शियम था वो सारा का सारा किसमें चेंज हो चुका है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट में बदल चुका है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकलता है। आपसे बोला परसेंटेज ऑफ CaCl2, तो परसेंटेज ऑफ CaCl2 क्या करोगे, टोटल कितना है 4.22, उसमें से x इनटू 100, यानी कि यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x ना, कितना है CaCl2। अगर हमें x पता चल गया तो क्या हम यहाँ से परसेंटेज नहीं निकाल लेंगे, बोलो। बिल्कुल निकालेंगे। तो अगर हमें हमें दिख रहा है सारा का सारा कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो गया, तो क्या हम यहाँ पे POAC नहीं लगा सकते कैल्शियम पे, लगा सकते हैं। Yes, ma'am. POAC अगर कैल्शियम पे लगा रहे तो हम क्या बोलते थे, मैंने क्या सिखाया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि जिसकी इन्फॉर्मेशन है मैं तो वही लूंगी ना, मैं कैल्शियम कार्बोनेट क्यों लू जब मुझे कैल्शियम ऑक्साइड का दिया हुआ मास। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है कैल्शियम क्लोराइड का x ग्राम, बोलो हाँ के ना, मोलर मास 111 ग्राम होता है जैसे अभी आफ्ताब ने बताया, इनटू कितने कैल्शियम है 1 है, बात ठीक है ना। और ये गिवन मास 0.959 और इसका मोलर मास कितना होता है 40 और 16, यानी कि 56, और कैल्शियम कितना है 1 है। क्या यहाँ से तुम एक्स नहीं निकाल सकते, बोलो। Yes, निकाल yes, जब तुम एक्स निकाल के आओगे तो वही आएगा 1.9 ग्राम, यानी कि एक्स अगर 1.9 ग्राम आ गया तो तुम्हारी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, 1.9 बाय 4.22 इनटू 100 तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 45% आ जाएगा। ये तुम्हारा निकल गया दो लाइन में, जैसे हफ्ता आप बोल रहा था वैसे भी कर सकते हो। मैंने याद करो एक ऐसा ही क्वेश्चन मिलता सिमिलर सा क्लास में भी करवाया था। Yes, ma'am. तो बिल्कुल उसी पे ही बेस्ड है ये, ठीक है। तो मैंने कहा था POAC आप लगा सकते हो, तो इसमें आप POAC लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। इसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, अगर आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर आप ये क्वेश्चन भूल जाओगे तो इस पे प्लीज स्टार मार्क कर लेना। मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चे असाइनमेंट सोल्व करते रहते हैं, बार बार वही क्वेश्चन करते रहते हैं जो उनसे बन जाते हैं। जब भी आप रिवीजन करते हो तो आपको वो वाले क्वेश्चन रिवाइज नहीं करने जो आपसे एक ही बारी में बन गए थे बिना देख के कहीं से, आपको वो वाले क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके देखने हैं जो आपसे फर्स्ट टाइम नहीं बने थे, समझे। तो ऐसे मैम जो NaCl2 इक्वल टू NCO रखा है आपने, तो ये x ग्राम तो CaCl2 पूरे का है ना, ग्राम मास x ग्राम CaCl2 का ही तो रखा है मेरा बेटा, गिवन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो वो CaO के बराबर होगा। ना ना मास नहीं बोल रही हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स बोल रही हूँ मेरा बेटा। POAC क्या होता है, POAC आप लोगों ने पढ़ा है ना मेरे से, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन।
जिसमें हम मोल्स एटम के कंजर्व कर रहे हैं, अगर कंजर्व कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये बोल दूंगी ना अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के, तो मैंने निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू, क्योंकि आप कैल्शियम पे लगा रहे हो ना तो कैल्शियम के कितने एटम है वो भी तो बताओगे वहां पे। बट तुम्हारा अच्छा मतलब किस्मत अच्छी है, क्वेश्चन सही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कैल्शियम का एक ही दिया हुआ है, अगर कैल्शियम के दो तीन होते तो फिर वहां पे उससे मल्टीप्लाई कर देते आप लोग, ठीक है हो जाएगा। यस मैम, चल आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। दीपांकर क्या आप मेरे से सुन पा रहे हो क्या, अंशुल बच्चों आप लोग ना क्लास में एक्टिव नहीं रहते हो, ऐसे नहीं चलेगा बेटा काम, फिर क्लास कोई फायदा ही नहीं है लगाने का बेटा, आप लोग बताइए क्या करना है। 8 लेक्चर लगाए बेटा मैंने इस पे कंप्लीट कराने में इसको, तो आप लोगों को थोड़ा एफर्ट तो मारना पड़ेगा ना, परसों टेस्ट है। अफ्ताब का हो गया, बाकी करो ट्राई करो। शाबाश आलिया, एलेक्स वेरी गुड, अरीशा शाबाश सलोनी, ट्राई करो सभी। हेमंत कर बेटा, प्रिया ऋष्वी दक्ष आलिया आप बताइए बेटा। मैम इसका आंसर ऑप्शन 2 है। ओके सॉल्व कैसे किया मैम, सिंपल यूनिटरी मेथड से करा है। हाँ, वन मोल मैग्नीशियम, वन मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में 8 मोल हमारा ऑक्सीजन है, तो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए हमें कितने मैग्नीशियम फॉस्फेट लगेंगे, 1/8 मोल। बैकवर्ड चलूंगी मैं इसमें, ठीक है। फिर 0.25 के लिए कितने चाहिए, 1/8 × 0.25। वेरी गुड, और तुम्हें पता है क्वेश्चन किसने पूछा था, जेई में। इजी है ना, देखो यस मैम आपको क्या बोला है, सिर्फ ये देखो मैग्नीशियम फॉस्फेट बोल क्या रखा है, पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। हमें ये पता है कि 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, 8। इसको उल्टा लिख लो, लिख सकती हो ना। यस मैम, यस मैम। 8 मोल ऑक्सीजन एटम है किसमें, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो 0.25 में कितने होंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड। इसको जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास वही आंसर आ जाएगा जो भी आलिया बोल रही है, 3.125 × 10⁻²। यस मैम। अब इसके लिए कैलकुलेटर मत खोल के बैठ जाना, समझ गए, कुछ नहीं है इसमें। ओके मैम, ठीक है जी, 1/30 को 2 को डिवाइड करना है बस तुम्हें, और कुछ नहीं करना। चले चले आगे। यस मैम, ये वाला क्वेश्चन आया था
नीट 2024 यानी कि अभी जो 5 मई को पेपर हुआ था उसमें आया था ये। करने का ट्राई करो आराम से। अच्छा क्वेश्चन डाला था इस बार। इस बार फिजिकल केमिस्ट्री वाज लेंथी इन 2024। जब आप लोग अपना देखेंगे ना 11th का सिलेबस कंप्लीट करके नीट के पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2024 में थोड़े से लेंथी क्वेश्चन पूछे हुए थे, बट द गुड पार्ट इज सेक्शन बी में पूछे थे। सोचो समझो, होगा। कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज नीट में विदाउट कैलकुलेटर ही आपको बताना होता है आंसर। दो बच्चों का हो गया है। वेरी गुड। समझ में आ रहा है बाकी बच्चों को क्वेश्चन? नहीं तो फिर मैं कराऊं बेटा। यस मैम। यस हिमांशी आप चैट बॉक्स में बता सकते हो अगर शोर थ्रोट है। क्या मैम? नहीं, आपको नहीं बोलूंगी बेटा। ओके मैम। आफताब तुमने ये क्वेश्चन कर लिए क्या पहले? यस मैम। गुड जॉब। दक्ष आप बताएंगे। अप्रोच जी मैम, मैं अप्रोच बता सकता हूँ बिल्कुल बता सकते हो, बताओ। चलो मैम। पहले हम मोलारिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हमें मोलारिटी दे रखी है 0.75 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है 25 ml। देन हम इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे 10^-3 लगा के। एंड हम मोलारिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मोल्स ऑफ HCl निकल जाएगा। ठीक है, ये आया सबका? यस मैम, यस जीरो मैम। पॉइंट 1875। हाँ मतलब मैंने ऐसे लिख लिया 75/4। ओके ठीक एंड है। मैम, हाँ जब हमारा हाँ बोलो बोलो बेटा। नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, ऐसे ही हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के। उसका हमारे को दे रखा है 1 ग्राम हाँ एंड उसका मॉलिक्यूलर वेट लेके इसे डिवाइड करेंगे। देन फिर हम इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को आपस में माइनस कर लेंगे। जो हमारे पास आएगा वो हमारा जो लेफ्ट है अनरिएक्टेड वो हमारा निकल के आ जाएगा। फिर हम उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो मॉलिक्यूलर मास है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। वेरी गुड दक्ष। देखो क्या किया दक्ष ने, मैं वही बताऊंगी जैसे वो बता रहा है। आपके पास 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड था, 1 ग्राम है ना।
एनएमएच था उसको आपने मतलब उसको ट्रीट कराया गया था 25 ml ऑफ 0.75 मोलर एचसीएल इस सॉल्यूशन के साथ कराया गया था। तो वो ये बोल रहे हैं कि कितना एनएमएच का मास जो है वो रह जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट, कितना एनएमएच का मास रह जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, इक्वेशन देखो, एनएओएच रिएक्ट कर रहा है एचसीएल के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, एनएसीएल प्लस पानी बनेगा, गेटिंग यस मैम, माय पॉइंट। तो एचसीएल के मैंने मोल निकाल लिए 75/4 × 10^-3 मोल, तो इसके भी तो इतने ही होंगे फिर एनएओएच के, बिकॉज एक मोल एचसीएल एक मोल एनएओएच के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इतने इतने के साथ करेंगे। तो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि मोल्स ऑफ एनएओएच कितने होंगे मेरे पास जो रिएक्ट करेंगे, 75/4 × 10^-3, इतना जवाब दीजिए। यस मैम, ठीक है, क्योंकि यस मैम, हमें मास में आंसर बताना है, अगर आप देख रहे हो ग्राम में आंसर बता रखा है, तो एक काम करते हैं ना, इसको मोल्स को हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे, तो मेरे पास मास ऑफ एनएच आ जाएगा, मास ऑफ एनएच रिएक्टेड, बोलो यस मैम, यस मैम, कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेना। 75 × 10^-2 यानी कि 0.75 दिया, कितना हुआ एक, तो लेफ्ट कितना रह जाएगा 1 − 0.75, 0.25 ग्राम आ जाएगा, बट ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो नाउ यू हैव टू चेंज इनटू, मिलीग्राम तो क्या पर करना, यूनिट्स। हमें पता है 1 मिलीग्राम में 10^-3 ग्राम होता है, तो मैं वैसे ही बना लेती हूँ, 10^-3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और उससे डिवाइड कर देते हो, तो ये कितना बच जाएगा, 250 mg नहीं बन जाएगा, यस मैम, यस मैम, बन जाएगा, देखो तो आंसर क्या आ जाएगा अभी। तो ये था तुम्हारा नीट 2024 का क्वेश्चन जो आया था इस वाले, उससे हंस क्यों रहे हो, क्या हो गया आफ्ताब, मैम वो गलती से क्लिक हो गया था, ये थोड़ा हैंग मार गया था। ठीक है, चलो यस यस मैम, मैम, जल्दी मेरे को थम्सअप दो कि हाँ मैम चलो, मेरे को यहाँ पे सिर्फ 3-4 बच्चों की आवाज सुनाई दे रही है, जल्दी बताओ मेरे को, हिमांशी, अरीशा, आफ्ताब, ओके लव, ओके मुस्कान, आलिया, रवीना, एलेक्स, वेरी गुड, रश्मि, शाबाश, अंशुल, और ना होमवर्क करके भेज दिया करो तुम, बायो का एकदम करके भेज देते हो, क्योंकि उसमें तुम्हें पता है टिक लगाने होते हैं, बस तुम्हारा मन करता है कि फटाफट करके भेज देते हो, और तुम्हें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने आते हैं ना, तुम्हें बड़ा आलस आता है, और ये न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, ठीक है, संडे को टेस्ट दे लो, टाइम निकालो और अपने असाइनमेंट्स, पेंडिंग असाइनमेंट्स कंप्लीट करके शेयर करो मेरे साथ। यस मैम, ठीक है, टेस्ट होने के बाद कर लेंगे। ओके मैम, चलो जी आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। और क्लास कोई नहीं लीव करेगा, आराम से सॉल्व करो। हो रहा है, यस मैम, सलोनी, मुस्कान, यस मैम,
पहले तो इक्वेशन बनाओ तुम लोग और पता लगाओ विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड हाउ मच होम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट। बताऊं क्या? बोलो कहाँ फंसते हैं? नो मैम, थोड़ी देर और रुक जाइए। अच्छा, ठीक है। चलो बता दो, इतना तो नहीं लगना चाहिए था इसमें बेटा। टाइम कहाँ फंस गए तुम लोग? इक्वेशन क्या लिखी है बताओ कोई। चलो नहीं, क्या लिखी है इक्वेशन? है थ्री ना, बी ए सी एल टू प्लस टू एन ए थ्री पी ओ फोर गिव्स अ बी ए थ्री पी ओ प्लस फोर टू सिक्स प्लस एन ए सिक्स सी एन एल। ए सी एल। ये लिखा है ना? यस मैम, यस मैम। 0.5 मोल इसका मिक्स किया है 0.2 मोल के साथ। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पहचानो कौन सा है, बताओ। ये मैम तो बी ए ऑलरेडी सी मोल एल है। टू हाँ, एन बी ए सी एल टू नहीं, मोल तो ऑलरेडी एन पता ए है। हाँ, एन ए थ्री पी ओ फोर है मैम। इधर आओ इधर आओ, एक बार सुनो मेरी यस बात। मैम। मोल्स है सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो जस्ट टू आइडेंटिफाई विच वन इज लिमिटिंग रीजन। बस तो ये 1/6 आ जाएगा, ठीक है। और ये जीरो पॉइंट टू ये तो है ही नहीं, तो ये अपना कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वो भी तो होगा ना, क्या बोलते हैं, 2 आएगा यहाँ मैम पे, यहाँ पे ठीक 2 आएगा ना। है। तो ये यस बन मैम, जाएगा 1/10। अब कौन सा छोटा है, 1/6 या 1/10? 1/10 तो वन बाय सोडियम क्लोराइड टेन क्या आ जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। यानी कि सोडियम फॉस्फेट विल डिसाइड हाउ मच फॉर्मेशन ऑफ बेरियम फॉस्फेट। तो आपको दिख रहा है 2 मोल से 1 मोल मिल रहा है बेरियम फॉस्फेट, तो 0.2 से कितना मिलेगा? मैम इसका आंसर 4 है, 0.1। यस मैम, 0.10। इतना क्यों लगाते थे? वही तो मैं कह रही हूँ ना, आंसर तो तुमने निकाल लिया, बट टाइम कैसे लग गया इतना? ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं रखना था। चलो कोई बात नहीं, आंसर आ गया ना। चलो आगे चल चले फिर, क्या कहते हो? यस यस मैम। मैम, पक्का? चलो, क्या हो गया आफ्ताब? मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था। हाँ अगर बाय द वे क्वेश्चन ऐसा आया कि हमें बैकग्राउंड नॉइज है बेटा बहुत ज्यादा। मैं सॉरी मैम, मैं कहना चाह रहा हूँ मैम, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया जिस टाइम हमें मतलब रिएक्शन पता ही ना लगे, तो हम उस टाइम क्या करेंगे? पीयूएसी, पर इसमें देखो उसमें फिर तुम्हें पीओसी निकालना पड़ेगा भाई, पीओसी निकालना पड़ेगा तुम्हें। जैसे एक काम करें, अगर तुम इसमें पीओसी पीओएसी लगाते हो तो बेरियम पे लगाओ, बेरियम पे लगा के देखो आ रहा है इतने, ये आंसर लगा पाओगे? लगाओ सारे के सारे बच्चे, बेरियम पे पीओएसी लगाओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम बेरियम क्लोराइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट। लगाओ लगाओ, देखो चेक करो आ रहा है 0.10। पीवीसी लगा लो, वरना इतना तो बेटा अपने को लिखना आना चाहिए, क्योंकि कुछ खास इसमें बैलेंसिंग है नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? इसमें कुछ खास बैलेंसिंग नहीं है ना तब। इतना देखो बेरियम फॉस्फेट है, 3 बेरियम है तो 3 आगे लगाना है तुम्हें, मैम फॉस्फेट 2। हाँ अगर बोल। बाय द वे मैम इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, कोई अलग से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर बाय द हाँ वे
अनदर क्वेश्चन आ गए तो हम क्या करेंगे जिसमें तुम्हें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का नहीं पता चल रहा, ऐसे बोल रहे हो? हाँ, जैसे आप आपने इक्वेशन लिखवाई थी ऑर्गेनिक के लिए, जैसे हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पता नहीं है, CH+Y ये वाली लिखवाई थी आपने, वैसे कुछ आपके पास है मैडम कोई ट्रिक या बस ऑर्गेनिक की थी आपके पास? नहीं नहीं पहले से सुनो, वो जो कम्बशन रिएक्शन वाला था ठीक है, उसके एक जनरल इक्वेशन वो होती है, वो मैंने लिखवाया था। हाँ मैम वो तो है। हाँ दैट वाज नो ट्रिक। और रही बात ऐसे में, अगर मान लो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा आफ्ताब की बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, तो इन दैट केस तभी तो POEC बना है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ओके मैम, एक काम करो तुम सारे बच्चे ना इसमें लगाना प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन बेरियम पे, देखना आंसर आ रहा है क्या। लगाया किसी ने? लगाओ। हम मेरा तो 1.6 आया है उससे, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन से। मैम अगर ये इसमें BaCl2 से निकाल रही हूं कैसे लिखने का, वरना सही आ रहा है। कैसे लगाया तुमने POEC? क्या नाम है रिशा बताओ। मैम मैंने 1/3 मोल कर लिए कि मतलब 3 मोल में 1 मोल है उसके, तो 1/3 मोल करा तो 0.5 अपॉन में 3 करा। क्यों किया वो तुमने पहले तो ये बताओ। मैंने जितने BaCl जैसे मतलब Na3CpO4 से निकाला था हमने, वो ही मैंने BaCl2 पे कर दिया। मेरा बेटा यहाँ ना तुम अलीशा गलती कर रही हो, ये 0.5/3 वाले चक्कर में मत पड़ो। तुम क्यों मोल को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर रही हो पहली चीज, क्योंकि ये सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा। इधर देखो ये हटाओ, गोली मारो इसको, एक बार पता लगा लिया ना तुमने इसको हटाओ, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वरना रेशा आपको सारे क्वेश्चंस, समझ रहे हो? ओके मैम। चलो मैं एक बार इस पे देखो POEC लगा के दिखाती हूँ, मतलब तुम्हें वैसे तो ये तुम कर लोगे, लगाए क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट, इस पे लगा देते हैं ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स दिए ही हुए हैं, बेरियम है कितने 1, ये कितने दिए हुए हैं निकालने हैं है ना, और है कितने, है कितने 1 कितने है 3 है ना। यस मैम। तो कितना आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट? 0.5/3 आ रहा है। तो कितना आ गया, आया क्या आंसर उससे? नहीं आया। नो मैम। हाँ तो आपका देखो ना 0.16 के आसपास आ रहा है इसका आंसर। यस मैम। यस मैम। बट हमारे आंसर में क्या है 0.10 ठीक है। पता है क्यों आ रहा है ऐसा आंसर? क्यों मैम? बिकॉज अपा ने जो POEC लगाया है वो इस पे लगाया ना बेरियम क्लोराइड पे, बट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? Na3PO4। समझे? अच्छा तो हम लिमिटिंग रिएजेंट पे लगाएंगे। देखो अगर आपने बेरियम क्लोराइड पे लगा रहे हो तुम लोग, गेटिंग माय पॉइंट, तो आंसर बिल्कुल सही नहीं आ रहा, 0.16 आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो तुम फॉस्फेट पे लगा के देखो अब। ओके हाँ लेकिन वही है, उसमें भी फिर तुम्हें ये देखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फेट कितना होगा है ना, तो तुम उन चक्र मतलब उस वाले डायरेक्शन में जाओगे। इसीलिए तो मैंने इस वाले मेथड से करवाया तुम्हें, क्योंकि तुम्हें सिर्फ दे रखा है, तुम्हें सिर्फ एक इक्वेशन लिखनी है, जस्ट बैलेंस करना, तुम्हारे पास सारी चीजें तुम्हारे सामने है, समझ रहे हो मेरी बात? सारी चीजें yes, आंसर आ जाएगा, बस खत्म करो। POEC का मैं फिर बोल रही हूँ, अगर तुम्हें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पता लग जा रहा है तो तुम नॉर्मल अपना स्टोइकोमेट्री वाला लो यूनिटरी मेथड से करो। बट इन दैट केस जैसे ये वाले क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें करवा रही थी, कहाँ गए ये वाले क्वेश्चन है, याद है मैंने एग्जांपल कराया था जहाँ पे आपको कोई आइडिया नहीं है कि फलाना रिएक्टेंट जो है अलग अलग रिएक्शन से प्रोडक्ट बना लिया। यस मैम। वो वाले केसेस में POEC हेल्प करेगा तुम्हारा, इन वाले छोटे छोटे इन केसेस में मत POEC लगाना तुम,
लग जाएगा नो डाउट। ओके मैम, हमारे लिए जो चीज सिंपल दिख रही है अरीशा या बाकी जितने भी बच्चे हैं तो कर लेंगे। मुझे कितना टाइम लगा जब मैंने तुम्हारे सामने सॉल्व किया, मेरे को 40 सेकंड भी नहीं लगे, 30 सेकंड में मैंने सॉल्व कर दिया। तुमने तुम्हें बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता थी, तुम्हें ये पता था लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तुम अगर इस पे पीओसी लगा रहे हो तो गलत आएगा आंसर, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाना पड़ेगा ना तुम्हें क्या है। तो यानी कि हम यहाँ पे बुरी तरह फंस सकते हैं फिर, समझ गए तुम लोग? तो जब आपका एक से ज्यादा रिएक्टेंट है इन दैट केस तुम्हें फिर वहां पे पता लगाना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, वरना क्वेश्चन जो है फिर गलत हो जाएगा। समझ आई? तो हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। यस मैम, यस मैम। हेलो, चलते हैं आगे, चलते हैं। और जब तुम यहाँ पे फोस्फेट पे लगाओगे ना, मैंने बोला ना लिमिटिंग रिएजेंट ये है, वो तो तुम्हें वैसे भी पता लगाना पड़ेगा फिर। मानते हो कि नहीं मानते हो? इधर आओ, अब तुम इतना डिस्कशन कर ही लिया है तो पूरा और कर लेते हैं थोड़ा और। अगर तुम मान लो इस पे लगा रहे हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोस्फेट इज इक्वल टू, या ऐसे लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम फोस्फेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फोस्फेट, है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट कितने हैं? 0.2 इनटू फॉस्फेट कितना है? 1, बोलो हाँ के ना। और बेरियम फॉस्फेट से निकालने हैं x मान लो, फॉस्फेट कितने हैं? बिकॉज़ फॉस्फेट में लगा है ना तुम लोग, 2। अब आ गया आंसर? यस मैम, यस मैम जी। चलो अब आई होप और अच्छे से क्लियर हो गया। चलो आओ ये वाला क्वेश्चन करो। तो अब देख लो लिमिटिंग रिएजेंट का कितना यूज है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ये वाला क्वेश्चन करो। रवीना बन रहे हैं क्वेश्चन, आलिया बन रहे हैं? आलिया आवाज गई तुम्हारी, आलिया। मुस्कान, यस मैम बन रहे हैं बेटा? यशवी, हिमांशी के बन रहे हैं? सलोनी, अब प्रिया, अंशुल, हंजी हो भी गया? हाँ बिल्कुल, 2% चार्ज चाहिए अब मैं क्लास। यस मैम, हो गया। इसी तरह क्वेश्चन मैम। मुस्कान आप क्या कह रही हो? ओके मुस्कान क्या कह रही हो? मैम मैं कह रही हूँ ना, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, फोन में चार्जिंग नहीं है मेरे, 2% रहेगी बिल्कुल। अच्छा वो चार्जिंग पॉइंट दूर है क्या जहाँ बैठी हो? हाँ दूर। चलो एक मिनट, मैम फिर मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे चार्जिंग लगा के फिर मतलब हो नहीं पाएगा ना ऐसे। समझ गई समझ गई, कोई बात नहीं, देख लो मेरी अप्रोच देख लेना तुम। ओके मैम। अरे वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है, अरे बड़े बच्चों का आंसर आ गया। इसका मतलब पहले वाले तुम्हें डिफिकल्ट लगे तुम लोगों को फिर क्वेश्चन, या तो पेपर में बेटा इजी कम आएंगे मीडियम ज्यादा आएंगे, पहले बता रही। हाँ आएंगे वही जो कराए हुए मैंने, टेंशन मत लो। हाँ लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग देखूंगी मैं। अंशुल आप बताइए बेटा। ये तो इजी है, जल्दी बताइए, इस पे ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना। मैम पेपर आपने बनाया? नहीं मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया बेटा। मैम टेस्ट ऑनलाइन है ऑफलाइन? ऑनलाइन है बेटा। ओके तो संडे को? हाँ संडे को आया ना स्नेह मैम ने डाला ना ग्रुप में। यस मैम। इजी है ना, निकाल के दिखाना है क्या बोलो? मैं बताऊँ इसकी अप्रोच? हाँ बता दी मुस्कान तुमने मन बोला क्या 44 ग्राम CO2 में तो NA नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 48 ग्राम में NA होंगे,
64 में भी एन ए होंगे, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 4 एन ए ग्राम में एन ए होंगे, बट 8 ग्राम कितने होंगे? 2 मोल्स। 2 मोल्स जल्दी के चक्कर में 2 या 4 एन ए। 4 समथिंग। 1 ग्राम मत लिख देना, एच टू है वो, तो 2 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो 8 ग्राम में कितना? यस मैम। चलो ये आफ्ताब बार बार आईडी क्यों भेज रहे हो? ये वाला क्वेश्चन एक नंबर का क्वेश्चन है, करके दिखाओ। चलो सोचना पहले, करवा तो मैं दूंगी, ठीक है, पहले आप सोचना। मैं कह रही हूँ पहले ये क्वेश्चन करो, सोचो। आप कुछ बोल रही थी अभी? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। मास परसेंट वाला फॉर्मूला लगेगा क्या इसमें? मास परसेंट वाला लगाओ लगाओ लगाओ। सही जा रहे हो। किसने बताया वैसे ये? मैम मैंने। करो करो, सही जा रही हो। चलो नी बाकी भी ट्राई कीजिए, जस्ट अप्रोच करो कि कैसे हो सकता है। मैम इसका ए ऑप्शन है क्या? मैं पता नहीं कैसे, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है M305। M305 आ रहा है इसका आंसर, तो मुझे मैम सेकंड है क्या इसका आंसर? M203। यस मैम। एक मिनट, देखो बेटा सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों के सामने, तो आप लोग बताइए। M203 आ रहा है, M305, M305 नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वैसे 2 सेकंड ऑप्शन है ना? हाँ जी, एक बार देखो, बाकी एक बार चेक करिए, मतलब जो कर रहे हैं बच्चे क्या आ रहा है तुम लोगों का। आप लोगों में से कोई ट्यूशन तो नहीं, मतलब ट्यूशन जाता है क्या? नो मैम। सही है, बहुत सही है। नो मैम। बढ़िया, एक काम बढ़िया कर रहे हो अपना, उससे क्या होता है ना सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है। ऑलरेडी स्कूल का भी तुम्हारे ऊपर रहता है प्रेशर, है ना? हेमंत कैसे किया था बेटा बताओ? मैम पता नहीं, पता नहीं, हम ही करते चले गए। यस मैम, लास्ट में लगा अपने आप आ गया। ठीक है, गलत या कहां मिस्टेक हुई है समझ नहीं आ रहा मैम। मैं बता दे, कोई बात नहीं। अफताब आप बताओ कैसे किया? मैम पहले तो हम ये क्वेश्चन में देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। पहले तो फर्स्ट ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितनी परसेंट है? 27.6। तो हमने एज्यूम कर लेंगे कि मेटल जो है जो मास होगा उसका, वो 100 में से हम उसको माइनस कर देंगे। 27.6 को माइनस करेंगे तो 72.4 हमारा मास आ जाएगा, ठीक है। और जो सेकेंड ऑक्साइड का ऑक्सीजन होगा उसका 30 मास है,
तो नहीं 30% है, तो मास कितना हो जाएगा उसका, 70% मास हो जाएगा। मेटल का ना। हाँ हाँ अब फर्स्ट ऑक्साइड और सेकंड ऑक्साइड हम निकालेंगे तो हम उसको कंपेयर करेंगे। ऑक्सीजन जो पहले ऑक्साइड का है वो 27.6% है और मेटल का 72.4% है, और जो सेकंड ऑक्साइड है उसका O2 30% है और मेटल 70% है। अब हम ये एज्यूम करें, वो फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला गिवन है हमें, M3O4 है। अब हम एज्यूम करेंगे कि जो मास ऑफ मेटल है वो एक्स है, तो परसेंटेज ऑफ मेटल इन M3O4 कितना हो जाएगा, 3x/3x+664×100 इज इक्वल टू 72.4, क्योंकि हमें तो पता है कि इतना परसेंटेज है। तो हमारा जो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा x इज इक्वल टू 56 आ रहा है। अब जब सेकेंड ऑक्साइड का देखेंगे तो उसका ऑक्सीजन 30% है, अच्छा मेटल 70% है, तो हाँ हम रेशो लगाएंगे तो 70/56 रेशो 30/16, तो हमारा आएगा 1.25:1.875, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2:3। आया समझ में? बताओ, आओ मैं यस बताती हूँ। ये आफ्ताब थे मेरे को, वो मैंने मुझे याद है मैंने जब वो क्वेश्चन कराए थे लास्ट टाइम, तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसमें से एक क्वेश्चन भी था शायद आफ्ताब, तुमने वो तब का सोल्व कर लिया। है ना? क्या एक मैम, मेरा मेरा फेस प्रॉपर दिख रहा है, एक बार चेक करिए। आपका फेस थोड़ा राइट तरफ से सेंटर में नहीं है आपका फेस, एक सेकंड, अब बताओ। अभी भी राइट कॉर्नर में मैम एक आप। मिनट रुको, अब ठीक है ना? हाँ राइट में हो आप अभी भी। अभी ठीक है? ठीक हाँ है, यस मेरा चेहरा सही दिख रहा है? ठीक है ना? हाँ चलो मैम, ओके। हाँ तो मैं फोन में देख रही थी ना, वो ऐसे कटा कटा सा दिख रहा था। चलो देखो एक बार, इधर आओ। यस, तो आपको क्या दिया हुआ था बेटा? समझ लो एक बार, आपको ऑक्साइड ऑफ मेटल, दो ऑक्साइड है ठीक है, जो मेटल और ऑक्सीजन से मिलके बना है, जिसमें मेटल फर्स्ट वाले ऑक्साइड में 27 पॉइंट, सॉरी ऑक्सीजन 27.6% है, तो मेटल आप निकाल लोगे 100 में से माइनस करके ठीक है। सेकंड में 30% ऑक्सीजन है मेटल ऑक्साइड में, तो आप मेटल निकाल ले ठीक है। एक बार बताओ इसको, मैं एक बार ना सबको इसको इरेज कर, अरे बाबा ये तो उड़ी, सारा ही उड़ गया। चलो देखो, फर्स्ट वाले मेटल ऑक्साइड में हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, 27.6%, तो मेटल कितना आ जाएगा तुम्हारा, कितना बोला था, 72.4% ना, यस और इसमें 30% है और मेटल आ जाएगा 70%। मान लेते हैं वो कह रहे हैं इफ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट बी M3O4, तो मान लेते हैं इसमें जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, वो दे दिया उन्होंने ठीक है। इसका हमें नहीं मालूम है ना, हमें एक्स पता है ना हमें वाई पता है, लेकिन अगर बात बताओ, अगर मैं, मुझे ये पता चल रहा है 70% है ठीक है और ये 30% है, तो हम जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला में नहीं निकाल देते गिवन मास बाय मोलर मास करके ठीक है, तो अगर मुझे ये पता चल जाएगा कि मेटल का मोलर मास कितना, तो मैं कर दूंगी गिवन मास बाय मोलर मास, और इसका मुझे पता ही है 30/16, फिर वो सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के तुम्हारे पास पता चल जाएगा क्या है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। ठीक है, लेट मी जस्ट, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, तो ये अभी कौन हेल्प करेगा हमें, ये करेगा। अगर मान लो इसमें से मैं निकाल लू, मेरे पास परसेंटेज ऑफ मेटल है ना M3O4 में, तो मैं क्या यहाँ से मास परसेंट वाला, जो किसी ने बोला था परसेंटेज कंपोजिशन वाला लगेगा, तो मैं निकाल सकती हूँ ना। टोटल मेटल है कितने, 3 × मान लेते उसका मास x है, और मोलिक इसका पूरा वो क्या होगा, मोलर मास 3x+ कितना 64, और ये हमें दे ही रखा है।
तो यहाँ से तुम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 56 आ जाएगी, 56, 70/56, 30/16, बस तुम्हें इसको सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करना है, वो आ जाएगा 2:3, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये इस तरीके से। हाँ मैम जी बोलो बेटा। आपने ये जो 70 upon मॉलिक्यूलर मास है किस बेस पे लिया, मतलब क्या निकालने के लिए इसकी नीड क्या हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि मैं ये पता लगाना चाह रही हूँ कि मेरा मोलर रेशियो कितना है, तभी मैं आंसर तक पहुंच पाऊंगी, मेरा मेटल कितना है और ऑक्सीजन का कितना है। ओके मैम ठीक है, तो ये आ गया, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और मैंने यहाँ पे ना इन फ्यूचर आपके लिए ये वो भी डाल दिया है सोल्यूशन, अगर आपको देखना है तो आप लोग देख सकते हो, ये वही है जो मैंने बताया, इसमें ये बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ है, इतना होगा नहीं। ठीक है मैम, ये तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, है वही चीज जो हमने किया है। ठीक है ओके चले, बताओ ओके मैम, ओके मैम, सारे बच्चे। चलो यस मैम, बढ़िया, बोलो। ये वाला क्वेश्चन करो। चलो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर, वॉटर मैम हो गया। वेरी गुड रवीना। आफ्ताब भी हो गया, ठीक है करो करो आराम से करो, 1 मिनट ले लो। वेरी गुड आलिया, वेरी हेमंत, आंसर नहीं बताना था बेटा चैट बॉक्स में, हैंड रेस करके बताना था। नहीं, अरे सॉरी मत बोलो, कोई बात नहीं, तुमने जानबूझ के नहीं किया, बस ध्यान रखना आगे से, कोई बात नहीं। रवीना आप बताओगी? यस मैम, बताओ। मैम ऑप्शन सी आंसर है। अच्छा मेरे को बताओ कैसे किया। मैम इसमें हमें मॉलिक्यूल गिवन है, तो मॉलिक्यूल वाले फॉर्मूले से गिवन मास आ जाएगा, उसके बाद फिर डेंसिटी भी गिवन है, तो डेंसिटी से वॉल्यूम आ जाएगा। समझेगी मैं, मॉलिक्यूल से मैम क्या जाएगा? मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो गिवन मास बाय गिवन मास बाय मोलर मास इनटू में हमारा Na होगा, तो ये तो उससे बताओ गिवन मास क्या है? ठीक गिवन मास हमें पता नहीं है, वही हमें निकालना है। है, वॉल्यूम निकालना मेरा बेटा। मतलब पहले ये निकालेंगे तब वॉल्यूम निकलेगा, हाँ तो फिर कैसे करोगी उसके कि बाद फिर टेक्स्ट? मोलर मास हमारा 18 है, ठीक है, फिर इंटू में Na आ जाएगा 6.023 × 10^23, हाँ और इक्वल्स टू में 1 गिवन उसके बाद फिर ये आएगा 18/6.022 × 10^23, इक्वल टू में तुम 1 क्यों कैसे लिख के आई? क्योंकि मैम गिवन है ना 1 मॉलिक्यूल। अच्छा तो अच्छा 1 मॉलिक्यूल, अच्छा इस तरीके से कर लो तो। अच्छा फिर उसके बाद डेंसिटी भी गिवन है, तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम के इक्वल होती है, तो वॉल्यूम मास बाय
डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा, और डेंसिटी 1 है ही गिवन, तो 6.022 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 आएगा। ठीक है, आ रहा है किसी का ये आंसर? यस मैम, 2.99 वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल आपको बताना है। अब आप पहली बात तो मेरी बात ये ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा ये अप्रोच नहीं करेगा कि 6.022 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स में जो वाटर है वो 22.4 लीटर एट एसटीपी होगा, ये कोई भी नहीं करेगा। अगर किसी ने किया तो हटा दो, क्योंकि ये हम तब लगाते हैं जब गैस होता है और वाटर हमारा लिक्विड है। तो पहले तो इतनी चीज ध्यान रखना, कोई ऐसे कर रहा है तो करिएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हमें डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, अपना डेंसिटी अपने को दिया हुआ है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास कितना आ जाएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, और ये कितना होता है मैम? 18 होता है मास, 18 होता है, 18। हाँ, तो अगर आपको डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका मास क्या हो जाएगा फिर? वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 18 ml हो जाएगा, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, देखो इधर, तो आप बोल सकते हो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितना है, 18 ml है, 1 ग्राम दिया, मास हमें मालूम था, तो अपने पास 1 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, 18 by 6.022 × 10⁻³। एक मॉलिक्यूल में निकालना था, निकाल दिया, वही जो क्या कहते हैं इसने किया था रवीना ने, ऐसे इसको सॉल्व कर दो, खत्म कहानी। yes, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻²⁰। तो ध्यान रखना, ऐसे कोई नहीं लिखेगा कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर एट एसटीपी 22.4 लीटर, वो गैस के लिए होता है, गलत हो जाएगा। तो आपको डेंसिटी दे रखी है, मास पता है, वॉल्यूम 18 ml आ जाएगा, 18 ml बोलो, 18 ml वाटर बोलो या 18 ग्राम वाटर बोलो। यस ठीक है जी। yes, चलो ये चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 मोल ऑफ Cl2 आर अलाउ टू रिएक्ट, एक इक्वेशन दी हुई है आप लोगों को। लिमिटिंग रिएजेंट बताना है पहले, तो फिर ये बताना है कितना AlCl3 बने होंगे मोल, फिर आपको ये बताना है कि क्या बोलते हैं कितना रिएजेंट जो होगा लेफ्ट रह जाएगा। बाकी करो,
अनिशा आप बताइए बेटा। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट को देखा, तो उसमें हमने ऐसे करा कि 2 मोल्स इसमें मतलब पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हमें 1 मोल AL के दिए हुए एंड 3 मोल Cl2 के दिए हुए, हाँ एंड इक्वेशन के हिसाब से 2 मोल AL में 3 मोल Cl2 बनता है। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि AL इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो उसके बाद सेकंड पे अगर हम आएंगे तो हमें बताना हाउ मेनी मोल्स ऑफ AlCl3 फॉर्म होंगे। अनिशा, मैं एक बार तुम्हें रोक रही हूँ, क्या तुमने ये देख के बोला लिमिटिंग रिएजेंट कि ये 2 मोल है और ये 3 मोल है? नो मैम, बिकॉज 1 मोल पे 3 मोल बन रहा है और रिक्वायर्ड है 2 मोल्स पे, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, बट मैंने, हाँ यही मैंने पूछा था, कोई भी बच्चा ये देख के नहीं बोलेगा, माना कि इसमें आ गया, बट ये देख के नहीं बोलेगा कि 2 मोल AL है और 3 मोल Cl2 है। नहीं, आपके पास मोल दिया हुआ है, आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, यहाँ पे भी करो, 1 आ जाएगा। तो आप वैल्यू ये छोटी आ रही है, तो हमने इससे पता लगा लिया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है अरीशा, हाँ अरीशा ने तो बता दिया, आगे चलो अरीशा कंटिन्यू करो। फिर मैम हमें क्या निकला था? ओके सो हमें निकाला है मोल्स ऑफ AlCl3, देन वी विल डू वन थिंग कि 2 मोल्स ऑफ AL पे 2 मोल्स ऑफ AlCl3 बन रहा है, तो 1 मोल पे 2/2 में 2 मतलब 1 मोल AlCl3 फॉर्म होएगा। एंड आफ्टर दैट थर्ड में पूछ रहा है मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, तो इसमें मैंने करा कि 2 मोल्स ऑफ AL में 3 मोल ऑफ Cl2 बन रहा है, तो 1 मोल पे 1.5 Cl बन रहा है, सो मैंने 1.5 किया। ओके, तो आपसे ये पूछा है मेरा बेटा, नहीं ऑप्शन वन आंसर तो आ गया तुम्हारा, बिल्कुल ठीक आया है, 1.5 ही आएगा, लेकिन ये 1.5 आया है, इतना सीएल तुम्हें चाहिए। ठीक है, समझ रही हो मेरी बात? 2 मोल ऑफ AlCl3 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑफ Cl2 एज यू सैड। ठीक है, 1 मोल के लिए मुझे फिर कितना चाहिए? 1.5 मोल रिक्वायर्ड होगा टू कैरी आउट द रिएक्शन, बट वी हैव 3 मोल, इट मीन्स दिस इज इन एक्सेस। लेकिन बचा कितना? 3 माइनस 1.5, Yes, we have to आपको subtract. आ गया 1.5, वो अलग Yeah. बात है, बट दिस इज द करेक्ट अप्रोच अनिशा। थ्री में Yes. से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1.5, देन आपका 1.5 आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। बस ये लास्ट करवा देती हूँ, है ना, फिर तुम चले जाना, जो बच गए वो घर पे कर लेना। ठीक है, कर लेना, फिर कहोगे कि मैम टेस्ट में ना क्वेश्चन आए हुए थे आपके। ओके ठीक मैम, है, सारे टाइप के कर लेना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम इतना नहीं है, बिकॉज न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, वो टाइम ले ओके जाता मैम, कर लेंगे, है ना, कर लोगे ना? ठीक है, टेस्ट देने से पहले कर लेना। कोई बात नहीं, कर लेंगे अब तो आप कितने अच्छे से बोलता है। मैम। हाँ मैम, केमिस्ट्री में नीट एग्जाम में केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा फिजिक्स फिजिकल में से आते थे क्वेश्चन। किसने कह दिया? किसने कह दिया? ऐसा नहीं है मेरा बेटा, इक्वल रहता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15-15-15। सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, I2 प्लस Cl2 ICl प्लस ICl3, यही लिखोगे ना? पहले कंफर्म करो और बैलेंसिंग देखो हो रखी है कि नहीं हो रखी है, अब हो रखी है ना? अब यस मैम, क्या दिया हुआ है? 25.4 ग्राम ये दिया हुआ है, 14.2 ग्राम ये दिया हुआ है, आपको मोल्स निकालने हैं। वही फर्स्ट यू नीड टू चेक विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, जल्दी से बताओ कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, जल्दी फटाक से बताओ।
आ जाएगा I2 का वो कर लो कितना होता है। अच्छा इन्होंने बता नहीं रखा, मैं बता देती हूँ। आयोडीन का होता है बेटा 127 मॉलिक्यूलर मास, और क्लोरीन का होता है 35.5। विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, आयोडीन या क्लोरीन, कौन बताएगा पहले? देखो देखो कौन बताएगा। देखो कोई नहीं बता रहा, ऐसे मत करो। तो टाइम लग रहा है क्या? हम आयोडीन, आयोडीन इज लिमिटिंग रिएजेंट, यस सोच लो। Cl2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। अभी फिर दे रही हूँ मौका, नहीं तो ये सॉफ्टी लव को दे दूंगी मैं। फिर दिख रही है क्या सॉफ्टी? यस जब मैं स्कूल में थी तो हमारे जो टीचर्स थे, अगर उनको हमारी हैंडराइटिंग पसंद आती थी और हमने काम अच्छे से किया हुआ था, तो वो बहुत सारी चीजें देते थे। सॉफ्टी, टॉफी, पता नहीं क्या क्या बना बना के देते थे। तुम्हें देते थे क्या जब तुम छोटे थे? मतलब यस लोग मैम, देते थे यस मैम, चॉकलेट्स एंड ऑल। चॉकलेट? तो नहीं दी, मतलब अरे असली वाली नहीं, सिर्फ नोटबुक में। मैम अच्छा मैम मैम असली वाले तो एक टॉफी भी ना मिली मेरे को। हाँ बोलो। मैम, ये सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ नहीं होता। मैंने एक दिन हेडिंग के लिए थोड़ा सा उसको डिजाइन बनाया था, सर ने मुझे दो लाफे मारे। उसका सीधा सीधा लिखना, क्या लिखना है? सच बताओ। हाय यस मैम, मेरे साथ भी यही हुआ है। ये तो गलत बात है सर, बायस सर पार्शियलिटी क्यों कर रहे हो? अच्छा ऐसा है क्या? डिजाइन हेडिंग पे डिजाइन बना दिया था क्या? जैसे हेडिंग लिख के उसके ऊपर बादल जैसा बना रहे थे ताकि थोड़ा अच्छा लगे। अच्छा ऐसे कर दिया होगा नो तुमने, मैम, प्रॉपर हेडिंग उसका अच्छे से मूड लिखी, खराब प्रॉपर हो गया। हेडिंग अच्छे से दिख रही थी कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा फिर भी दो ओहो, थप्पड़ मैम बाल सुजा दिए थे। मैम ये तो ज्यादा ही कर दिया भाई तुम्हारे सर ने। मैं असली, पहली बात है मैं असली वाली टॉफी चॉकलेट नहीं बोल रही थी, असली वाली तो मेरे को ही नहीं। मैम हाँ हमारे सामने, और हमारे सामने जो मेरे मेरे बगल जो मतलब मेरे साइड वाली जो लड़की बैठी हुई थी, उसको उसने उस, उसने मतलब मेरे से बुरा बनाया था, उसको कुछ नहीं बोला। इसको क्या बोलोगे मैम, डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलोगे आप? वो कई बार क्या होता है ना, जो आपके पेरे टीचर्स होते हैं ना, वो अब देखो गर्ल्स, मतलब गर्ल्स को तो नहीं हाथ लगा सकते हैं ठीक है, लेकिन हाँ लड़कों पे तो जोर चलता है। ले भैया तू क्या बना रखा है बताऊंगा तेरे को, ठीक है? तो वो मैम वाला सीन लड़कियों पे हाथ नहीं चलता, तो ये मतलब थोड़ी है दोनों का बदला इकट्ठे एक ही से निकाल लोगे। है। आ जाओ बेटा इस पे आ जाओ। मैं तो बताती, मेरे को तो नकली की सॉफ्टी मिलती थी, मतलब लाइक टॉफी वगैरह जब हम काम अच्छा करते थे। छोड़ो इसको, आ जाओ। तो हाँ अब आया लिमिटिंग रिएजेंट Cl2, अभी भी नहीं आया क्या? इधर आओ। गिवन मास आपको दिया हुआ है, मोलर मास इसका क्या होता है? 254 हो जाएगा ना, 127 × 2, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा मेरा बेटा? 0.1। तो इसको स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, 1 ही है तो यही हो जाएगा हमारा। इसमें देखो 114.2, और ये कितना हो जाएगा? 35.5 × 2 कितना होता है? 71। तो ये कितना हो जाएगा? 0.2। इसको स्टोशियोमेट्री से डिवाइड करो तो 0.1 आ रहा है। नहीं कुछ गड़बड़ गई है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ ठीक तो है मैम, हुआ है। वन सारा अच्छा ए अरे एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ ठीक है,
फिर तो मतलब तुम किसी से भी निकाल सकते हो, है ना? यस मैम, मैम यही बराबर आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। हाँ, 1 मोल I2 से 1 मोल ICL बन रहा है, तो 0.1 से कितना बनेगा? इतना ही पॉइंट वन बस, पॉइंट वन। अरे ये तो चिन्नी क्वेश्चन हो गया, सबको मिलेगी सॉफ्टी, आ जाओ। लेकिन असली वाली नहीं दे पाऊंगी ना मैं तुम्हें, वर्चुअल वर्चुअली तो तुम्हें यही चलानी पड़ेगी बेटा, चेरी वेरी लगा लेना। चलो ठीक है, बहुत है, फिर कर लोगे ना घर से, टाइम भी यस होगा। मैम हम कर लेंगे। ठीक है, चलो डन, फिर मिलते हैं हम, फिर मंडे को मिलते हैं। कल तो क्लास है नहीं, टेस्ट अच्छे से करना, जो नहीं आता मत करना। कर लोगे तुम, इतनी प्रैक्टिस करिए तो कर लोगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और जो ओके तुम्हारे okay. डाउट्स होंगे और टेस्ट जब तुम दोगे तो डाउट्स तो आएंगे ना तुम लोगों के से, कुछ क्वेश्चन हो सकते नहीं भी होंगे, तो वो यस बोलो। ठीक है, यस मैम, चलिए, गुड ठीक है। नाइट मैम।